लोकेशन बारा फ्रॉम बारा ओवरसीज। तो दोस्तों आप सब लोग तो मुझे जानते ही हो, लेकिन यहाँ पर मैं अन्नपूर्णा एग्जिम सेवा के बारे में कहना चाहूँगा कि ये एक अलग ही तरीके का कंपनी सेटअप हुआ है। ये जब लोग बैच में ज्वाइन किए थे तभी ऑलमोस्ट एक दूसरे को कोई जानता नहीं था, राइट। और आजकल के ज़माने में जो हमने सीखा है, जो ट्रेंड देखा हुआ है, उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रुप में काम करना पड़ता है। कोई इंडिविजुअल इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट निकाल के वर्कआउट नहीं कर सकता व्हेन ही इज़ अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप। तो यहाँ पर अन्नपूर्णा का क्या रोल रहा है कि उनमें से लोगों ने, वो बैच ने एक ग्रुप बन गए और सब लोगों ने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, किसी ने 5 लाख, किसी ने 1 लाख, कंपनी फॉर्म करके एक प्राइवेट लिमिटेड खुद का कंपनी बनाया। और कंपनी का गोल यह है कि वर्ल्ड वाइड हर जगह पे अपना ब्रांचेस डालना, एक फॉरेन सेटअप लगाना, ताकि अपने ही भाई को, अपने ब्रदर को अपने नेटवर्क में डील हो सके, ताकि पेमेंट की भी सेफ्टी रहे और एक प्रॉपर वे में लॉन्ग टर्म डील हो, राइट। आज आप देखिए कि ऑनियंस है, तो ऑनियंस में MEP लगा हुआ है रिसेंटली, आज का नोटिफिकेशन आप देखे तो LC करना कंपलसरी है। तो कभी कभी क्या है कि ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, MEP और दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, कभी कभी ट्रेड में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन अगर अपना नेटवर्क है तो सारा सिस्टम हम क्लीनली फॉलो कर सकते हैं प्रॉपरली। नमस्ते एंड वेलकम टू अन्नपूर्णा एग्जिम सेवा प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम है यश कंदोया, मैं अन्नपूर्णा का डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज मैं अपनी मेरी कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम क्या करते हैं और कौन सी चीज पर डील करते हैं। सो बेसिकली अन्नपूर्णा एग्री एक्सपोर्ट में स्थापित है। वी आर अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ राजकोट। पोमोग्रेनेट, ऑनियंस, मिक्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। हमारा मेजर इंस्पिरेशन है किशन बाराय सर, हु इज इनटू दिस बिजनेस सिंस लास्ट 6 to 7 years। वो टीचिंग करते हैं इनका और उसने हमारे जितने कई स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट और रनिंग करने में इंस्पिरेशन दिया हुआ है। सो लेट मी ब्रेक डाउन कि अन्नपूर्णा जो ये बिजनेस करता है, कैसे करता है, कितने स्टेज में ये पूरा एस्टैब्लिश है। बेसिकली ये एक्सपोर्ट का बिजनेस है 4 स्टेज। फर्स्ट स्टेज आता है वो सोर्सिंग का आता है। जो हमारी फाइनेंस टीम है, सोर्सिंग में एक्सपर्ट है, वो फार्म्स में जाके हैंड पिक प्रोडक्ट चूज करती है कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, जैसे कि पोमोग्रेनेट है, ऑनियंस है, वो जाके फार्म्स में जाती है और चूज करती है कि A1 क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आती है। वो जब ये प्रोडक्ट चूज हो जाती है तब वो नेक्स्ट स्टेज एक्सपोर्ट्स के लिए भेजी जाती है, राइट। सेकेंड स्टेज आता है वो पैकेजिंग का और स्टफिंग का आता है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन पैकेजिंग। पैकेजिंग करी जा रही है तो बहुत सेफली की जाए। फाइनल स्टेज है वो एक्सपोर्टिंग है, एक्सपोर्टिंग का है टू द डेस्टिनेशन कंट्री। इसमें दिस स्टेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम एक्सपोर्ट करते हैं टू अ डेस्टिनेशन कंट्री, वहां पे भी सामने हमारी एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है कि जो भी डेस्टिनेशन कंट्री है वहां पे भी हमारा खुद का नेटवर्क है। सो दिस टोटल चीज इज सेफ फॉर अस। सो नाउ मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि पैकेजिंग ऑफ ऑनियंस कैसे किया जाता है। बिकॉज बेसिकली हमने जो रिसर्च कंटेनर किया था वो ऑनियंस का किया था। हमने ऑनियंस का जो कंटेनर मलेशिया भेजा था और उसका साइज था 55 mm, 50 to 55 mm उसका जो स्टैंडर्ड साइज रहता है मलेशिया के एक्सपोर्ट के लिए, वो हमारा साइज था। सो ऑनियंस को पैक किया जाता है 7 kg की मैश पैक में, हमने किया था, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, राइट। टोटल ऑफ 4150 bags भेजी थी हमने वो पर कंटेनर में, और उस कंटेनर का वेट था 29 metric tons। सो आपको आइडिया आ जाएगा कि पैकेजिंग कैसे होता है, उसका वेटेज कैसा करते हैं और कैसे उसको एक्सपोर्ट करते हैं। सो अब इस पार्ट में मैं पूरा इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन करूंगा कि हमने जो पूरा कंटेनर लोड किया है, राइट, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था और हमारा टोटल प्रॉफिट अर्न कितना होगा, राइट। सो प्राइस पर केजी ऑफ ऑनियंस, एक किलो का ऑनियन का रेट था तब 27 rupees और हमने परचेज किया था 29 MTS, दैट इज 29,000 kg। आफ्टर दैट सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टोटल प्राइस हुआ 7,83,000। फिर लॉजिस्टिक, CHA एंड इंश्योरेंस का रेट हुआ 1,20,000। उन दोनों को मिला के टोटल CIF वैल्यू होता है 9,03,000। और इस पूरे परचेज में और इस पूरे प्रोसेस में हमें प्रॉफिट अर्न हुआ 23,500। सो आपने जो अभी तक का ब्रेकडाउन देखा वो रिसेंट था, राइट, वो हमारा लास्ट कंटेनर था जिसमें हमने ये एक्सपोर्ट किया। बट अभी ऑनियंस में एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हो गई है, गवर्नमेंट ने नए एक्सपोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन डाले हैं जिसमें MEP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 8
$850 पर टन होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले है और पेमेंट टर्म्स उसका होना चाहिए 100% इररिवोकेबल एलसी होना चाहिए, ये उनके पेमेंट टर्म्स है। सो द रूल्स हैव बिकम समवॉट टफ इन एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियंस। आपको कैसा लगेगा कि जो आपने पूरी प्रोसेस देखी अभी एक्सपोर्ट की, हमने जो की वो आपको सीखने को मिलेगी? या राइट, सो अन्नपूर्णा एग्जीम है वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप आओ, यू इन्वेस्ट योर ऑन मनी, राइट, आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो, आप खुद ही सीखो कि पूरी प्रैक्टिकली वी विल टीच यू फ्रॉम सोर्सिंग टू द एक्सपोर्ट कि आप ये पूरी प्रोसेस कैसे सीखी जाती है और उसमें कैसे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, राइट, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकली सीखोगे और उसमें जो प्रॉफिट होगा इवन यू विल अर्न दैट, राइट। ये एक काइंड ऑफ अमेजिंग एस्टैब्लिशमेंट है जो उसका आप लाभ आप खुद भी उठा सकते हैं। सो वी एज अ अन्नपूर्णा टीम वेलकम्स यू, कांग्रेचुलेट ऑल द टीम, राइट, कि अभी फिलहाल जो है वो 10 टू 15 हो चुके लोग और भी ज्यादा होंगे इसमें एडेड होते जाएंगे और मैं चाहूंगा कि ये एग्जिम सेवा और भी लोगों की सेवा करती रहे। वेरी नाइस नेम के लोग आजकल सेवा का नेम जो है उसको समझते भी है और रखा भी है कंपनी का नेम, सो इट्स वेरी नाइस ऑफ थिंग एंड आई जस्ट विश दैट वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू वेरी मच।